तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में इनके साथ जो हुआ है पीटीआई वालों के साथ, ये टेलर था। नहीं, ऐसे बयान नहीं देना चाहिए क्योंकि बहुत नुकसान हुआ है मुल्क का और अवाम का, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जैसे एक दिल पत्थर नहीं हो जाता, ये पत्थर के लोग हो गए। बात करें जो भी करें सोच समझ के करें, ये ऐसे बात मुंह खोल के नहीं करनी चाहिए। वक्त दे फिरौन ने इंशाल्लाह ताला मूसा भी अल्लाह ताला कोई ना कोई भेजेगा। वो तो ट्रेलर है, इनकी फिल्म बनेगी और दुनिया देखेगी। तो मरा कौन है, गरीब ही मरा, कोई तगड़ा तो नहीं मरा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विक्की अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन जरा ये वीडियो देखिएगा, तलाल चौधरी साहब कुछ कह रहे हैं और पोस्ट भी मेरा एडिटर दिखा देगा आपको। जरा इस्लामाबाद में जो इन्होंने रियासत के खिलाफ एक बगावत और चढ़ाई की, उनके साथ जो हुआ वो एक ट्रेलर था। देख लिया आपने, कह रहे हैं कि जो इस्लामाबाद में इनके साथ हुआ वो अभी ट्रेलर था। यानी अफसोसनाक बात है कि ऐसे बयान दे रहे हैं कि इनके साथ जो इस्लामाबाद में हुआ वो अभी टेलर था। इतनी लाशें गिर गई इधर से भी उधर से भी, यानी तौबा नौज़बिल्ला। बहरहाल मैं इस बात से क्या लेना देना है मुझे, मैं अवाम की राय आपको ज़रूर सुनवाऊंगा कि अवाम क्या कह रही है इस बयान के ऊपर तलाल चौधरी साहब के। आइए मेरे साथ। सर मैंने अभी एक वीडियो दिखाई है, तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी जो इस्लामाबाद में इनके साथ हुआ ये अभी टेलर था। यानी क्या कहते हैं इस बयान के बारे में? टेलर था, टेलर था। सर बात ये है कि ये लोग जो है ना, ये इनके दिल में ना समझ लें कि एक जैसे एक दिल पत्थर नहीं हो जाता, ये पत्थर दिल लोग हो गए हुए हैं। ये मजलूम लोगों को इन्होंने शहीद किया उधर डी चौक में, ऊपर से लाशें भी नहीं दे रहे उनको, ऐसे तो दुश्मन भी नहीं करते। तो ये है कि ये इंशाल्लाह ताला आज इनका टाइम है, कल जो है वो उनका टाइम भी आएगा। तो ये वक्त जो है ना, ये अरूज और जवाल साथ साथ ही होता है, ये सारी ज़िंदगी नहीं रहता। ये इंशाल्लाह ताला उन पे भी वक्त आएगा, अल्लाह ताला उनकी मदद करेगा। लेकिन ये जो बोल रहे हैं ना, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, ये तो छोड़ के भागे हैं। और भाईजन मुझे बताओ, देखिए ये बयान नहीं, आप मुझे ये बताएं कि गोली चल रही हो, कोई बंदा खड़ा होगा उधर? कोई भी नहीं होगा, जाहिर है गोली चल रही हो तो बंदा, हर बंदा अपनी जान। तो ये जो खुद कह रहे हैं ना, ये भागे हैं, ये ताड़ जैसे बंदे जो हैं किराए के, ये खुद जो है ना इतने योग्य नहीं है कि उधर खड़े हो सकें, गोली चल रही हो, ये तो वैसे भी नहीं खड़े हो सकते, इतनी समझ लें शैलिंग के भी नहीं खड़े हो सकते। ये उनका हौसला है, सिर्फ गोली चली है और जाहरी बात है हर बंदे को जान प्यारी होंगी, भाई किन्नू जान प्यारी नहीं है, उनको जान प्यारी है। तो उन्होंने अपने लीडर को भी बचाना है और अपने आप को भी बचाना है। तो बचेंगे तो फिर दोबारा इनकी कार्रवाई करेंगे ना, अगर बचेंगे नहीं तो कार्रवाई कैसी करेंगे वो फिर? तो क्यों ये कह रहे हैं, ऐसा कहना चाहिए मसलन ये तलाल चौधरी साहब को कि ये टेलर था जी हमने दिखाया जो। वो इस टाइम वक्त दे फिरौन बने ने बोस, और कोई मसला नहीं गा। वक्त दे फिरौन ने इंशाल्लाह ताला मूसा भी अल्लाह ताला कोई ना कोई भेजेगा, लाजमी भेजेगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह की मेहरबानी ने नाल। वो सारे किराए के समझ लो के बंदे रखे ने उन्होंने, वो सारे झूठ बोलते ना। बच्चे नूं पता है यार, हुण ते सोशल मीडिया का दौर है कि हर बच्चे नूं पता है कि की हो रहा है, कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है, सारा पता है। वो समझते हैं कि हले भी असं 1980 च बैठे हैं। हाँ कोई गल नहीं, बहरहाल इंशाल्लाह ताला बिल्कुल बिल्कुल। अवाम नूं इस चीज़ का बड़ा जरा ना दुख है कि नहाते अवाम कोई 300 कोई 400 बंदे कह रहे शहीद होए ने, तो बोस यार अफसोस, अपने मसाया भी फोत हो जाते तो भी बंदा अफसोस कर देना। लेकिन यह बंदे मजाक उड़ा रहे हैं उन्होंने, जेडे फोत हुए हैं उन्होंने मजाक उड़ा रहे हैं, तो अल्लाह माफ़ करे, कोई गल नहीं। कल इन्हों के हमारे पुलिस वाले भी, वो भी इंसान ही थे जो हमारे के जो जवान। वो भजन मेरी बात सुने, वो मुलाजम है, अब मुलाजम मैंने रखा होगा, मैंने कहा चल सफाई कारोबार, उसने ये तो नहीं कहना नहीं मैं नहीं करना। उनके भी बाल बच्चे हैं, उनके भी हैं। जाहिर बात है कि वो यही मैं आपको बता, तलाल चौधरी साहब यहाँ पर मेन चीज़ तो ये है, आपको भी पता है पीछे से जो बॉर्डर आता है ना, तो वो मुलाजम जो होता है ना, वो एक मुलाजम की मजबूरी बन जाती है, वो नौकरी से डरता है कि यार मैं नौकरी तो फारग ना कर दें। लेकिन उन्होंने भी चाहिए कि सोचना कि यार रिजक तो रब की जात पाक ने देना है, नौकरी तो कट देने कितने और वसीला रब बना देगा। लेकिन यह काम कोई कोई मावा का पुत्र करता है कि जरा खलो जाता है कि नहीं यार मैं गलत काम नहीं कर सकता। ये मैंने एक वीडियो दिखाई है, तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में इनके साथ जो हुआ है पीटीआई वालों के साथ ये टेलर था, अभी कुछ और होना था, यानी फिल्म पूरी दिखानी थी, उन्होंने टेलर कह रहे हैं, यानी इतना कुछ होने के बाद इतना नुकसान हुआ और ये हुआ, तो ऐसा बयान देना चाहिए? ऐसे नहीं, ऐसे बयान नहीं देना चाहिए क्योंकि बहुत नुकसान हुआ है मुल्क का और अवाम का, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, यह गलत बात। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, मुल्क का भी बहुत नुकसान हुआ है, अवाम का भी बड़ा। हाँ जी।
देखे ना, और हमारे पुलिस वालों का बड़ा नुकसान हुआ, फौज का नुकसान हुआ है। ऐसे नहीं बात करनी चाहिए, ये बात गलत है। और कह रहे टेलर है अभी? नहीं, टेलर नहीं, ये ठीक। तलाल चौधरी साहब की एक वीडियो मैंने दिखाई है और पोस्ट भी दिखाई है कि वो कह रहे हैं कि जो इस्लामाबाद में इनके साथ हुआ है वो एक टेलर था, यानी फिल्म अभी बाकी है, ये टेलर कह रहे हैं उसको, जिसमें बहुत सारा नुकसान हो गया, मुल्क का भी हो गया, जानों का भी हो गया, और हर तरह से नुकसान हो गया, और उसको ये टेलर कह रहे हैं, ऐसा बयान देना चाहिए। ये बहुत ही गलत बयान दिया है इन्होंने, काफ़ी बंदों की शहादतें हुई हैं, ये सही तरह बता ही नहीं रहे, ये गलत है। ये जो है ना, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात जी। हाँ, नहीं ये बयान देते हुए बंदा सोचता, बहुत ही गलत बयान दिया है ना उन्होंने, ये सोच के नहीं ना देते बयान, ये पीटीआई वाले जो है ना वो ये ऐसे बयान नहीं देते, वो अपना मुंह खोल के जैसे भी बोलते हैं ना वो बोल देते हैं, वो सच बोलते हैं। हाँ, यानी कहने का मतलब ये तलाल चौधरी साहब ने यानी ये बयान दिया है, तो यानी ये सोचा कि जाने हाँ, के लिए हैं, जाने वो नहीं सोचते ना, ये नुकसान हो गया, मुल्क का नुकसान। रेंजर के कितने बंदे शहीद हो गए हैं, ये सही बयान ही नहीं देते, इनको देना ही नहीं चाहिए ऐसे बयान देने नहीं चाहिए। बिल्कुल सही है। तलाल चौधरी साहब को कोई पैगाम है? दलाल चौधरी साहब को पैगाम है कि बात करें, जो भी करें सोच समझ के करें, ये ऐसे बात मुंह खोल के नहीं करनी चाहिए, फिर बाद में कहते हैं हमसे गलती हो गई। अभी तलाल चौधरी साहब की मैंने एक वीडियो दिखाई है, तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये जो इस्लामाबाद में इनके साथ हुआ है ये एक टेलर था, पीटी वालों के साथ ये टेलर था, यानी ऐसा बयान देना चाहिए, टेलर इतनी जाने गिर गई और ऐसा नुकसान हो गया, मुल्क का नुकसान हुआ, फला हुआ, और ये कह रहे हैं कि टेलर था। अभी बस ज्यादा नुकसान है, नुकसान हुआ है, नुकसान ज्यादा, ऐसे बयान देने चाहिए? नहीं चाहते यार। क्यों जी, क्या कहते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए सर, ऐसा बयान नहीं देना। हाँ, हमारे साथ ज्यादती हुई है। हाँ, कहते हैं अभी टेलर था ये? नहीं नहीं, टेलर तो हम इंशाल्लाह दिखाएंगे, हम टेलर हम दिखाएंगे। सर मैंने तलाल चौधरी साहब की एक वीडियो दिखाई है जिसमें वो ये कह रहे हैं, पोस्ट भी दिखाई है कि जिसमें कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में इनके साथ जो हुआ है वो अभी एक टेलर था, जो इनकी फिल्म बनेगी ना वो तो टेलर है, इनकी फिल्म बनेगी वो दुनिया देखेगी, ये जब पाकिस्तान देखे ना वो दुनिया देखेगी ना फिल्म जी बनेगी। इमरान खान देखो इन्ना खौफजदा ने रात में बच्चे कहना चुप करो इमरान खान आ जाएगा, सो जाओ नहीं तो इमरान खान आ जाएगा, खाइएगा आवाम इन्होंने पसंद नहीं कर रही। तलाल जी का बयान है, ओनू को तलाल चौधरी तेरी से आपस शेर नहीं बनती, दोवे नूली थी आपस एक दूजे बैर है, तुम कहते बंदे हो अताल, यदा दादा भी ओहजा हो गई, नस्ल भी ओह जी, ना उन्हें शौर है गल करन दा, ना तरीका है कि मैं की कहना की नहीं कहना। क्या कहते हैं, मैंने भी एक वीडियो दिखाया है, तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं, बयान ये दे रहे हैं, पोस्ट भी दिखाई है उनकी, कि कहते हैं कि जी अभी जो इनके साथ इस्लामाबाद में हुआ है ना पीटीआई वालों के साथ, ये एक टेलर था, यानी टेलर कह रहे हैं उस चीज़ को जो इतना नुकसान मुल्क का हुआ है, उधर रेंजर्स का इतना नुकसान हुआ है, इधर जानों का इतना नुकसान हुआ है, उसको ये टेलर कह रहे हैं, कहना चाहिए ऐसा बातें, ऐसी करनी चाहिए? ऐसा तो कहना नहीं चाहिए इनको, ठीक है वो उनका मामला है क्या कर रहे हैं क्या नहीं, लेकिन वाम के बारे में सोचें कुछ, वाम के बारे में, वाम मर रही है, भूखी मर रही है, अब ये भाई को देखें, 600 रुपया दिहाड़ी है इसकी, क्या करेगा ये? बिल्कुल ठीक वाम का कोई नहीं सोचा, ये सब इमरान खान हो गया, शहबाज शरीफ हो गया, सारों ने अपना सोचना है, या आपका या हमारा नहीं सोचना उन्होंने, कि ये न्यूज़ वाले हैं, ये मजदूर बंदा है, इन्होंने नहीं सोचना। इन्होंने हमारा तो ये जो बयान दे रहे हैं तलाल चौधरी साहब, ऐसा बयान देना चाहिए इनको कि ये तो टेलर है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए ना, इतनी इंसान है, जाने कितनी गई हैं वहाँ पर, ऐसा ही है, और कितने लोग पुलिस वाले हमारे भाई, जो पुलिस वाले हमारे भाई हैं उनकी जाने गई, रेंजर्स वालों की जाने गई, तो उसको अभी टेलर कह रहे हैं, तो मरा कौन है? गरीब ही मरा, कोई तगड़ा तो नहीं मरा, ये बात है ना यार, वाह क्या खूबसूरत बात की इन्होंने, कि गरीब ही मरा, कोई तगड़ा बंदा तो नहीं मरा। हाँ जी जी, क्यों जी क्या कहते हैं? बिल्कुल सही कह रहे भैया, जो भी कह रहे हैं तलाल चौधरी साहब, आपने जो ये टेलर कह रहे हैं, टेलर का जो बयान दिया है कि टेलर चला है और अभी तो फिल्म बाकी है, इसका मतलब तो यही होता है ना कि फिल्म अभी बाकी है, अभी तो टेलर दिखाया है, अभी ये बाकी है, ये ही रांझे की फिल्म चल रही है। बस हमने ये क्या फिल्म चल रही है, या सुल्ताना डाकू, या डंडा पीर दा, या पुत्र जगे दा।
आप फिल्म थोड़ी है कि गत है, ये जानों का नुकसान है। अच्छी बात की है, हंसना तो नहीं, हंसी आ गई आपकी बात पे। मुझे बहुत अच्छी बात आपने की है कि यहाँ कोई ऐसा मामला तो नहीं हो रहा। बहरहाल आवाम की आवाज़ आपने सुन ली है, हमारा काम ये होता है कि आवाम की आवाज़ आप तक पहुँचा दी जाए, आवाम की आपको आवाज़ जो है वो आपको सुनवा दी जाए। वो आपने सुन ली, बस जो भी आए आवाम के बारे में सोचे, जो भी आए आवाम के बारे में सोचे, इमरान खान आए चाहे शहबाज शरीफ आए, चाहे इमरान खान हो चाहे शहबाज शरीफ हो, आवाम को इससे कुछ लेना देना नहीं है। वो कहते हैं कि मुल्क ठीक होना चाहिए, आवाम ठीक होनी चाहिए, खुशहाल होनी चाहिए। यही हमारा भी कहना है कि मुल्क ठीक होना चाहिए और ये खुशहाल होनी चाहिए सारी दुनिया, यही ज़िंदगी है। बहरहाल हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है बेशक। ऐसे ही ये अब ये देखें, ये भाई को कल दिहाड़ी मिली है तो मोटरसाइकिल पे जा रहा था, गाड़ी वाले के साथ टैचू है, टकराव है। चलो होने दे, जितने तलाल चौधरी साहब का कुछ हो। हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल भी बनाया है, उसका लिंक नीचे दे दिया, उसे फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा क्योंकि ससुरा आपके साथ है, क्योंकि ससुरा आपके साथ है।